नमस्कार दोस्तों। दोस्तों कहने को तो ये वीडियो शर्मा जी और वर्मा जी का है, लेकिन आप अपने आप को वर्मा जी की जगह पे प्लेस कर सकते हो। ये वीडियो इन लोगों के लिए कि जिनकी टीम तो बन चुकी है लेकिन जुड़ने वाले लोग काम नहीं करते और काफ़ी सारी दिक्कतें उनको आती है कि सर मुझे देखिए बार बार कमेंट आती है कि सर नेटवर्क तो बन जाता है लेकिन वो लोग खरीदारी नहीं करते, आगे बढ़ते नहीं है और उसी के चलते खुद भी मायूस हो जाते हैं और काम करना बंद कर देते हैं। देखिए इसीलिए मैंने यहाँ पर टाइटल में लिखा है कि चार शर्मा जी मिलकर वर्मा जी को भी शर्मा जी बना देते हैं। तो देखिए आपको शर्मा जी नहीं बनना है, आपको वर्मा जी ही रहना है और किस तरीके ऐसे शर्मा जी लोगों को आपको हैंडल करना है सारे कुछ में संवाद और कुछ बेहतरीन एक पीपीटी बनाई है, आप उस पर ध्यान दीजिएगा। मैं ज़्यादा लेक्चर नहीं दूंगा, अब आगे की स्लाइडों में मैं इसी तरीके से बात करूंगा जैसे एक शर्मा जी बात कर रहे हैं और एक वर्मा जी बात कर रहे हैं। तो आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना है और ठीक इसी तरीके से आपके शर्मा जी को आपको हैंडल करना है। तो लेट स्टार्ट, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहली बात, शर्मा जी आते हैं वर्मा जी के पास और बोलते हैं मुझे अब वेस्टेज से सामान नहीं लेना है और वहीं पर वर्मा जी पूछते हैं, ऑब्वियसली फर्स्ट रिएक्शन उनका यही होता है कि भाई क्या हो गया, क्यों नहीं लेना है। अब उनका जवाब देखो, 90% शर्मा जी लोगों का यही जवाब रहता है जैसे आप ये स्लाइड में देख रहे हो, सर वेस्टेज के सामान महंगे हैं। मतलब कि जो वेस्टेज से जो 3500 का सामान मिलता है वही सामान हमें दूसरी जगह तो 2700 या 2800 रुपये में मिल जाता है। अब ऐसे चार पांच शर्मा जी जब आते हैं तब वर्मा जी भी शर्मा जी बन जाते हैं, ना कि उनको उनका सॉल्यूशन दिखाते और ठीक अच्छी तरीके से गाइडेंस करते। लेकिन यहाँ पर जो वर्मा जी है वो देखो ये केस को किस तरीके से टैकल करते हैं। जैसे शर्मा जी ने बताया कि वेस्टेज से जो सामान 3500 में मिलता है वो दूसरी जगह से तो 2800 में मिल जाता है, तब वर्मा जी क्या बोल रहे हैं, मतलब कि आपके हिसाब से तकरीबन 20% सामान महंगे हैं वेस्टेज के, मतलब 3500 से 20% गिनो तो 700 रुपया होता है, मतलब 700 रुपया कम में आता है शर्मा जी को सामान। ठीक है, बस यही कारण है या और भी कोई कारण है? अब ये देखो आपको क्वेश्चन करना है, ढंग के क्वेश्चन करोगे तब जाके आप वो शर्मा जी को टैकल कर पाओगे, ना कि पूरी राम कहानी आप बताने लग जाओ कि वेस्टेज के प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत अच्छे हैं, ज़्यादा दिन तक चलते हैं, कंसंट्रेटेड फॉर्मूला में है, वो सब कुछ शुरू में नहीं बताना है। ठीक इसी तरीके से पूछिए, मतलब कि आपके हिसाब से 20% महंगे हैं और अगर यही कारण है या और भी कोई कारण है। और उसके बाद वर्मा जी ने देखो क्या पूछा, अगर वही सामान अगर 2800 भी सस्ते में मिल जाए फिर तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब शर्मा जी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर उनको संतुष्टि हो जाती है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं रह जाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले तो वर्मा जी शर्मा जी को ये बताया गया कि पैसे बचाना नहीं, एक्चुअल में शर्मा जी हमें पैसे कमाना सीखना चाहिए, लेकिन फिलहाल आपकी जो एक्स्ट्रा जा रही है 700 रुपये हम फिलहाल आज उसके ऊपर बात कर लेते हैं। उसके बाद देखिए ये स्लाइड देख लीजिए, आप वेस्टेज से 3500 का सामान लाते हो, वही सामान अगर आप दूसरी जगह से लाते हो तो 2800 में आता है, जैसे कि आपने बताया, मतलब कि 700 रुपया हर महीने आपका जो एक्स्ट्रा जाता है वो बच जाएगा और सालाना 8400 रुपया, मतलब कि सालाना 8400 रुपये की बचत अगर आप वेस्टेज से सामान ना लेके कोई दूसरी जगह से लोगे तो बचत हो जाएगी आपकी। शर्मा जी बोलेंगे जी बिल्कुल 8500 रुपया मेरे बच जाएगा अगर वेस्टेज नहीं करूंगा और वेस्टेज से सामान लेना बंद कर दूंगा। नेक्स्ट आपका सवाल ये होना चाहिए कि जैसे कि आपने बताया आप हर महीने 2800 का सामान लेते हो, 12 महीना तक लोगे, मतलब कि 33600 रुपये का सामान लेने पर सालाना आपके घर में सामान कितने रुपये का आएगा? अब शर्मा जी हंसते हंसते बोलेंगे 33600 दिया है तो 33600 का ही सामान आएगा ना भाई साहब। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वहीं पर अगर वेस्टेज से आपने 3500 रुपया दिया है, मतलब कि 42000 रुपया सालाना, तो क्या आप जानते हैं कि वेस्टेज में 42000 देने पर सालाना सामान कितने रुपये का आपके घर में आता है? या तो शर्मा जी ना बोलेंगे या तो तुरंत बोलेंगे 42000 दिया है तो 42000 का सामान आएगा। देखिए अब आपको उनको शांति से ये समझाना है कि देखिए शर्मा जी 42000 रुपया वेस्टेज में देने पर 350 रुपया, मतलब 3500 रुपया आप हर महीने देते हो तो मतलब 350 के प्रोडक्ट तो हर महीने आपको अलग से फ्री मिल जाता है, जो 10% की स्कीम चलती है वेस्टेज की, मतलब 12 महीने का गिनो तो 4200 और हर महीने आप ये 3500 का सामान लोगे तो साल में 3 बार आपको 2500 रुपये के वाउचर भी मिलेंगे, मतलब के 7500 रुपया, मतलब 42000 रुपया देने पर टोटल 53700 का सामान आता है। लेकिन आप तो बोल रहे हो 20% सामान महंगा है, तो चलो हम वो भी माइनस कर देते हैं कि एक्चुअल सामान तो आपके हिसाब से 20% लेस करने पर भी
42,960 का आपके घर में आता है, ये तो आप बात मानते हो? जी बिल्कुल मानता हूँ। मतलब कि जो जेब से गया उससे कुछ एक्स्ट्रा सामान तो आपके आया आपकी दूसरी दुकान के मुकाबले, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ 33,600 दिया, 33,600 का सामान आया, और आपके कैलकुलेशन के हिसाब से देखे प्रोडक्ट महंगे, तो भी 42,000 देने पे तकरीबन 43,000 का सामान आया। और इतना ही नहीं, यहाँ पर कैशबैक भी मिलता है, मतलब कि शुरू के 6 महीने में 90 रुपये के हिसाब से आपको 540, और आने वाले दूसरे 6 महीने में 144 रुपये के हिसाब से अगर 6 महीना गिन लो तो 864 रुपया, मतलब कि आपको 960 रुपये का एक्स्ट्रा सामान भी मिल रहा है यहाँ पर, और वहीं पर और 1404 रुपये का कैशबैक भी आपकी दूसरी दुकान से ज़्यादा मिल रहा है। अब शर्मा जी के रिएक्शन थोड़े थोड़े चेंज होते जाएंगे, अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या बोलना है, अब क्या विचार है शर्मा जी, ऑर्डर लिख लो भाई हमारा इस महीने का। देखो यहाँ पर बात खत्म नहीं होती है, आपने अच्छे से समझाया शर्मा जी को शांति से बैठ के, ना कि बहुत बड़ा लेक्चरबाजी देने बैठे। कुछ सिंपल से 4-5 क्वेश्चन और सिंपल एक कैलकुलेशन समझाना है, ना कि आधा एक घंटे का भाषणबाजी देने बैठ जाना उनके ऊपर। फिर भी अगर शर्मा जी नहीं समझे तो भगवान ही मालिक है, लेकिन देखो इस तरीके से आसानी से समझाओगे तो शर्मा जी मान जाएंगे। और ये सब कन्वर्सेशन खत्म होने के बाद और भी क्या बोलना है आपको, देखिए यहाँ पर एक लास्ट स्लाइड में आपको दिखा देता हूँ। अब आपको बोलना है कि शर्मा जी ये तो सिर्फ आपकी खरीदारी के फायदे हैं, अगर यही बात आपने अच्छे से कुछ लोगों को समझा दी जिस तरीके से मैंने आपको समझाई, जो दो लोगों के मगज में भ्रम है प्रोडक्ट महंगे, लेकिन जैसे आप समझ गए इसी तरीके से कुछ लोगों को आपने समझा दी ये बात, तो आप अच्छी खासी आमदनी भी कर सकते हो यहाँ से। अब क्या बोलते हो शर्मा जी, करें मिलकर एक नई शुरुआत। मतलब कि वो जुड़ तो गया था 4-5 महीने से इनएक्टिव था, अब आपने अच्छे से उनको समझा दिया, और अब आपने उनको पूछना है कि क्या बोलते हो, अब करें मिलकर एक नई शुरुआत। शर्मा जी का रिएक्शन 100% ये होगा, जी वर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज से ही एक नई शुरुआत करते हैं। दोस्तों काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में और आसानी से आप लोग समझ सको, इस तरीके से मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश की है स्लाइड के माध्यम से। उम्मीद है आपको ये पूरी वीडियो बहुत पसंद आई रहेगी, और इस तरीके से भी एक बार टैकल करके देखो आपकी सोई हुई डाउनलाइन को। डेफिनेट मैं नहीं बोलता हूँ कि 100% रिजल्ट आएगा, लेकिन कुछ लोगों को भी आपने इस तरीके से जगा दिया और बिजनेस और आगे तेजी से ग्रो करने लग गया। तो वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों कमेंट में जरूर, आप चाहो तो एक बार धन्यवाद मुझे भी लिख सकते हो, वेट करूंगा आपके अच्छी अच्छी कमेंटों के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करिए आपकी डाउनलाइन में, ताकि उनको भी इसके बेनिफिट्स मिले, भले आप खुद समझाने नहीं जा सकते हो, ये वीडियो के माध्यम से शायद वो लोग समझ जाएंगे। तो मिलते हैं कल और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल।